नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस बताने वाला हूँ, एक महत्वपूर्ण जानकारी। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, कल जो है बहुत सारे न्यूज़पेपर ने एक गलत न्यूज़ जो है लिखी है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये न्यूज़ दोस्तों MBPSC के जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021 से संबंधित ये न्यूज़ है। दोस्तों, बहुत सारे न्यूज़पेपर ने ये लिखा है कि जो स्टेट सर्विस एग्ज़ाम 2021 की जो फ्री की परीक्षा होने वाली थी वो जो है स्थगित कर दी है। और पहले ये परीक्षा जो है 24 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन अब ये परीक्षा जो है 22 मई को होगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये मतलब गलत है, ये न्यूज़ गलत है, ऐसा नहीं है। और मैं आपको दोस्तों एक सजेशन दूंगा कि आपको जब भी कोई नोटिस पे डाउट हो, या आप जब भी आपको लगे कि नहीं ये न्यूज़ में तो डाउट लग रहा है, तो आप जो है MBPSC की ऑफिशियली वेबसाइट विजिट करें और वहाँ पे जो कैलेंडर दिया हुआ है उसको आप देखें। उससे बेहतर आपके लिए इन्फॉर्मेशन का सोर्स कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये एग्जाम एक्चुअल में आपको बता दूं, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की परीक्षा जो है 2021 की होने वाली है, उससे संबंधित ये न्यूज़ थी। लेकिन जो न्यूज़ वाले हैं उनको अच्छे से जानकारी रहते नहीं, वो लोग जो है छाप देते हैं और इसको लेकर स्टूडेंट जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आप खुद देख सकते हो दोस्तों, MBPSC जैसे ही आप डालोगे, फिर गूगल पे आप सर्च करोगे, समाचार में आप जाओगे, तो अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर, अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल जो काफ़ी नेशनल लेवल के कहे जाते हैं, उन तक ने ये न्यूज़ जो है मतलब गलत लिखी है। और इससे स्टूडेंट जो है भ्रमित हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, आपकी परीक्षा जो है 19 जून को ही होगी, 2021 वाली जो प्री की परीक्षा है, एक बार फिर से बता दूं, 19 जून को ही होगी। और आप चाहे तो MBPSC का जो है ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके वहाँ पे कैलेंडर में को जो है आप देख सकते हो। और ये जो न्यूज़ थी दोस्तों, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की जो परीक्षा है उससे संबंधित थी, लेकिन न्यूज़ वालों ने दोस्तों इसको जो सिविल सर्विस एग्जाम है उससे जोड़ दिया और स्टूडेंट को भ्रमित कर दिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये जानकारी थी जो हमने आपको बताई है। धन्यवाद।